स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 19 को लेकर की, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत उप विषय इतिहास से है और आज का प्रकरण है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके पिछले वीडियो में हमने 1 से 18 तक के लेशन प्लान को लेकर के बात की है, जो कि आपका उप विषय इतिहास से संबंधित था। ठीक है, तो अगर आप SST से लेशन प्लान तैयार कर रहे हैं अपने BEd 3rd सेमेस्टर के लिए या फिर DLED 4th सेमेस्टर के लिए, तो इसके लिए आप हमारे होम पेज पे जा करके वहां से जैसे ही आप SST के लेशन प्लान सर्च करेंगे आपको 1 से 19 तक के लेशन प्लान देखने को मिल जाएंगे, जिसे देख करके आप अपनी पाठ योजना फाइल SST पर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आप यहां पर पाठ योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, उसके बाद सीधे सीधे 5 कॉलम बना सकते हैं। आप चाहें तो पॉइंट वाइज ऐसे ही चीजें लिखिएगा, जैसा कि यहां पर दिनांक पड़ा है, जिस भी डेट को आप लेशन प्लान बनाते हैं यहां पर वो डेट मेंशन करिएगा। उसके बाद आप डालेंगे विषय, यानी सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आपका उप विषय है इतिहास। उसके बाद हम देखेंगे चक्र यानी पीरियड, पीरियड यहाँ पे फर्स्ट पड़ा है, आप चाहें तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अदरवाइज जो जैसे चीजें पड़ी हैं डेट को छोड़ करके आप वैसे ही कॉपी कर सकते हैं। अवधि यानी टाइम पीरियड की बात की जाए तो यहाँ पर 35 मिनट पड़ा है, आप चाहें तो 30-45 मिनट डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, कक्षा यानी कक्षा आपकी जो है वो 7 है और कक्षा 7 से ही आज का हमारा प्रकरण है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आज के इस वीडियो पे हम इसी प्रकरण पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स। तो सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए इसमें आप उप विषय इतिहास से संबंधित सामान्य जानकारियां बच्चों को कराते हैं, जैसा कि इसमें पहला पॉइंट दिया है छात्रों में ऐतिहासिक रुचि उत्पन्न करना, दूसरा पॉइंट है छात्रों में सर्वधर्म भावना का विकास करना, तीसरा पॉइंट है अतीत व वर्तमान में संबंध स्थापित करना, चौथा पॉइंट है मानसिक शक्तियों का विकास करना। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट है छात्रों में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना। तो ये हो गए आपके सामान्य उद्देश्य जो कि आपके विषय से संबंधित थे। आगे हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जाए इसमें आप प्रकरण से संबंधित विशिष्ट जानकारियां देते हैं बच्चों को, जैसे पहला है इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्राएं मुगल वंश के बारे में जान सकेंगे, दूसरा पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक की शासन व्यवस्था को जान सकेंगे, ये हो गया आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य। फिर है आपका बोधात्मक उद्देश्य, इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्राएं गुलाम वंश व उसके शासक के बारे में बोध कर सकेंगे। तो यहाँ पर बात हो गई बोधात्मक उद्देश्यों को लेकर के। आगे हम देखेंगे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, फिर आप इसी में लिखेंगे छात्र छात्राएं कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का बोध कर सकेंगे, ये पॉइंट भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा बोधात्मक उद्देश्य में। फिर आएगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्राएं गुलाम वंश के शासकों की सांस्कृतिक उन्नति का स्वभावीकरण कर सकेंगे, दूसरा पॉइंट है गुलाम वंश की उन्नति की जानकारी कर सकेंगे। तो यहाँ पर बात हो गई विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर की। इतने सारे पॉइंट है, आप अगर पॉइंट कम करके भी लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ पर जैसे दो दो दिए हैं आप एक एक भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे TLM यानी जिसे आप शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। इसमें आप पूरे टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी चीजें यूज करते हैं, जैसे आपने चौक का इस्तेमाल किया, डस्टर का इस्तेमाल किया, चार्ट, पॉइंटर, लपेट श्यामपट या श्यामपट या कोई वस्तु, जो भी चीजें आप पढ़ाते समय यूज करेंगे यहाँ आप दिखाएंगे, यानी अपने लेशन प्लान की कॉपी में TLM के कॉलम में दिखाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, इसमें आप लिखेंगे छात्राएं / छात्र कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में उनका पूर्व जो ज्ञान है वो सामान्य है। तो यहाँ पर बात हो गई पूर्व ज्ञान को लेकर की। आगे हम देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए, पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न छात्रों से निकलवाने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया। इसमें आप बच्चों से पहला प्रश्न करेंगे, बच्चों सबसे ऊंची मीनार का नाम बताइए, बच्चे बताएंगे कुतुब मीनार। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, बच्चे बताएंगे दिल्ली में। फिर तीसरा प्रश्न करेंगे किस शासक ने इस मीनार को बनवाया था, छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। अब यहीं से हमारा जो समस्यात्मक प्रश्न है वो आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो समस्यात्मक प्रश्न आएगा तो वहीं से हम उद्देश्य कथन बनाएंगे। उससे पहले हम कुछ प्रश्न देख लेंगे और जो कि आप प्रस्तावना प्रश्न के लिए
5 अगर बना रहे हैं 5 प्रश्नों पर प्रस्तावना प्रश्न तो भी लिख सकते हैं, यानी संख्या बढ़ा करके मैं अलग से बता दे रही हूँ, आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में कहा गया है कि आप 3 प्रश्नों से ज्यादा पर प्रस्तावना प्रश्न बनाइए तो आप लिखिएगा। अगर आपके ऐसी क्लास में कुछ भी नहीं कहा गया, यानी आपके कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो आप जैसे चीजें दी हैं आप ऐसे ही कॉपी करते जाइए। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, जैसा कि मैं प्रश्न आपको बताऊंगी आप वैसे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ओरल चीजें बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न आपका यही रहेगा, बच्चों सबसे ऊंची मीनार का नाम बताइए। बच्चे बताएंगे कुतुब मीनार। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? बच्चे बताएंगे दिल्ली में। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे, किस शासक ने इस मीनार को बनवाया था? बच्चे बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर आप तीसरा प्रश्न करने के पश्चात चौथा प्रश्न करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक किस काल से संबंधित हैं? फिर बच्चे बताएंगे गुलाम वंश से संबंधित हैं, ठीक है। फिर आप पांचवा प्रश्न कर दीजिएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, वहीं से आपका उद्देश्य कथन बनेगा, यानी जब छात्र निरुत्तर तो समस्यात्मक प्रश्न, फिर आपका उद्देश्य कथन, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रस्तावना प्रश्न 5 प्रश्नों पर भी बना सकेंगे। अदरवाइज अगर आपके कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि आप 5 प्रश्नों पे बनाए या 3 पर, तो आप ऐसे ही कॉपी करिएगा। चलिए देख लेते हैं उद्देश्य कथन। फिर आप डालेंगे उद्देश्य कथन, इसमें आप लिखेंगे, छात्रों आज हम लोग गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल के बारे में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये था आपका उद्देश्य कथन, जो कि आपके प्रकरण से रिलेटेड आएगा। आगे हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण प्रश्न। तो प्रस्तुतिकरण प्रश्नों की बात की जाए, इसमें आप पूरे टॉपिक को पढ़ाने से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न करने के बाद आप टॉपिक का परिचय देंगे, यानी जो आपका विषय है उसका परिचय देंगे। परिचय के बाद आप स्पष्टीकरण के माध्यम से बच्चों को पूरा टॉपिक समझाएंगे। इसके लिए आप सीधे सीधे 6 कॉलम बनाएंगे, पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र छात्र अध्यापक क्रिया, फिर है छात्र अनुक्रिया, फिर रहेगा शिक्षण विधि या प्रविधि, छठा रहेगा आपका श्याम पट कार्य। तो इस तरह से आप 6 कॉलम बनाएंगे प्रस्तुतिकरण प्रश्नों के लिए। पहले आप विकासात्मक प्रश्न करिएगा। पहला प्रश्न आपने किया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? बच्चों ने बताया अजमेर में। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, गुलाम वंश के किस शासक ने इसे बनवाया था? छात्र निरुत्तर हो गए, क्योंकि छात्रों को इसका उत्तर नहीं पता। अब यहीं से आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, यानी गुलाम वंश के बारे में परिचय देंगे। यहाँ पर एक चीज और नोट डाउन आप कर सकते हैं, जैसा कि आपने पहला प्रश्न किया अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित था, बच्चे बताएंगे अजमेर में। फिर दूसरा प्रश्न करिएगा, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? तो बच्चे बता देंगे यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर आप तीसरा प्रश्न कर लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? ठीक है, बच्चे बताएंगे गुलाम वंश का। फिर आप चौथा प्रश्न करिएगा, गुलाम वंश के किस शासक ने इसे बनवाया था? तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। तो इस तरह से भी आप विकासात्मक प्रश्नों की संख्या बढ़ा सकते हैं। श्यामपट कार्यों की बात की जाए, तो इसमें आप गुलाम वंश डालिएगा 1206 से 1290 ईस्वी तक, ठीक है। और एक बात यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, अगर आपको विकासात्मक प्रश्नों पर ज्यादा प्रश्न नहीं चाहिए तो आप 2 ही बनाइए, काफी है। आगे हम देखेंगे परिचय, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1200 आपका यहाँ पर 90 ईस्वी तक रहा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं पूरा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया गया है कि कैसे क्या वो गद्दी पर बैठा। आप इसे वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। छात्र क्रिया में छात्र जो इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई, और यहाँ पर आप शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नोत्तर चल रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो गई। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आप क्या कुछ चीजें लिखेंगे। तो आप इन चीजों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके, यहाँ तक कि आपका सारा दिया हुआ है, ठीक है, आप इन चीजों को लिखेंगे। छात्र अनुक्रिया में फिर वही, छात्र जो है ध्यान पूर्वक सुनेंगे, शिक्षण विधि में व्याख्यान, और श्यामपट कार्य में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु यानी 1210 में जो हुई थी, ठीक है। आगे हम इसी में देख लेंगे स्पष्टीकरण, जो कि आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देंगे। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में है, कैसे क्या गुलाम वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो इसे भी आप वीडियो पॉज करके लिखिएगा। फिर आपका श्यामपट कार्य में 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का आरंभ हुआ, तो ये चीजें आप डाल सकते हैं। आगे हम फिर इसी में देखेंगे विकासात्मक प्रश्न। फिर आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक किस शासन का गुलाम था? छात्र अनुक्रिया में छात्र बताएंगे मोहम्मद गौरी। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी? बच्चे बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से
विभूषित किया गया। ठीक है, छात्र क्रिया में छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, अब फिर से आप प्रतिदिन अबक की उपलब्धियों का व निर्माण कार्यों के बारे में बताएंगे। तो आप इन चीजों को देखिएगा, वीडियो पॉज करके इन्हें लिखिएगा। छात्र अनुक्रिया में छात्र जो है चीज को फिर से ध्यान पूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि हो गई, क्योंकि आप पाठ से संबंधित व्याख्या दे रहे हैं। ठीक है, तो आप शिक्षण विधि में इन्हीं सब चीजों को लिखेंगे। यहाँ पर आपकी प्रश्नोत्तर विधि है, यहाँ पर व्याख्यान विधि है। तो आप वीडियो पॉज करके इन चीजों को लिखिएगा, आप इन चीजों को पॉइंट वाइज लिखिएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे कुछ और चीजें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका खत्म हुआ है, जो भी उपलब्धियां थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की स्पष्टीकरण में फिर से वही चीजें हैं। तो आप इन्हें पॉइंट वाइज थोड़ा सा लिख दीजिएगा, इतना सारा लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके कॉलेज में ऐसे लिखवाया जा रहा है तो ही लिखिएगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं कहा है तो आप इन्हें पॉइंट वाइज 3-4 पॉइंट लिखिएगा, यानी 2 पॉइंट लिखिएगा काफी है स्पष्टीकरण में। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए। आगे हम देखेंगे इसी में बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न। यहाँ पे आपके प्रस्तुतिकरण प्रश्न कम्प्लीट हो गए हैं। बोध प्रश्नों की बात की जाए, इसमें आप बच्चों का मानसिक स्तर जांचने के लिए कि आपने जो भी टॉपिक को पढ़ाया बच्चों को कितना समझ में आया है, उसके लिए आप प्रश्न देते हैं। जैसा कि इसमें आपने पहला प्रश्न दिया, दिल्ली सल्तनत की नींव किस शासक ने रखी। दूसरा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई इमारतों के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है, लाखवक्ष की उपाधि किसे दी गई, यानी जो लाखवक्ष की उपाधि थी वो किसे दी गई। ठीक है, फिर इसी में चौथा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो ये था बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न। आगे हम देखेंगे श्यामपटकार, यानी जिसे आप ब्लैक बोर्ड वर्क कहते हैं। इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके कोई भी प्रश्न दे सकते हैं, व्हाइट स्पार्कल पेन का यूज करते हुए। जैसे कि आप सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, चक्र अवधि, फर्स्ट पेज की तरह ही चीजें मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपने हिसाब से प्रश्नोत्तर दे सकते हैं। जैसा कि इसमें पहला प्रश्न दिया है, गुलाम वंश का संस्थापक व प्रथम शासक कौन था। ठीक है, इस तरह से आप लिखिएगा ब्लैक बोर्ड पे, और उत्तर में भी आप ऐसे लिख दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक व प्रथम शासक था। दूसरा प्रश्न लिख दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से विश्व प्रसिद्ध मीनार बनवाए थे। तो बच्चों को आप ऐसे पूछिएगा भी प्रश्न और लिखते भी जाइएगा यहाँ पर कुतुब मीनार। ठीक है, तो इस तरह से आप श्यामपटकार भी अपने लेसन प्लान की कॉपी में दिखाएंगे। आगे हम देखेंगे निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्यों की बात की जाए, इसमें आप बच्चों का निरीक्षण करेंगे। जब छात्र या छात्राएं श्यामपटकार अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार रहे होंगे, तब आप उनकी सहायता भी करेंगे। ठीक है, और उनका निरीक्षण कार्य भी। इसमें आप लिखेंगे, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक छात्राओं को श्यामपट पर कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का आदेश देंगे या देंगी। वह स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा कक्ष का निरीक्षण करते हुए छात्रों की या छात्रों की आवश्यकता अनुसार सहायता करेंगी या करेंगे। तो ये हो गया निरीक्षण कार्य। आगे हम देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी जिसे आप अभ्यास कार्य कहते हैं। इसमें आप पूरे टॉपिक का दोबारा से रिवीजन करवाएंगे। इसके लिए आप कोई भी प्रश्न दे सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था। दूसरा प्रश्न है, कुतुब मीनार किस शासक ने बनवाए। तीसरा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेनापति था। चौथा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से विभूषित किया गया। पांचवा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार हुई। तो ये हो गए आपके पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसे आप क्लास में करवाएंगे। आगे हम देखेंगे गृह कार्य, यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं। फिर आप गृह कार्य डालेंगे। इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए कोई भी प्रश्न दे सकते हैं, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न हो गया, सही गलत हो गया, मिलान करने को कोई टिप्पणी, प्रश्न उत्तर। ठीक है, जैसे कि यहाँ गृह कार्य में आप ऐसे प्रश्न भी दे सकते हैं या फिर आप ऐसे भी दे सकते हैं। इसमें सही विकल्प पर निशान लगाइए, क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। ऑप्शन में दिया है, पहला लोदी, दूसरा है तुगलक वंश, तीसरा है खिलजी वंश, चौथा है गुलाम वंश। ठीक है, दूसरा है, गुलाम वंश का संस्थापक था। पहला है इसमें बलबन, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा है रजिया सुल्तान। फिर तीसरा इसी में प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में, लखनऊ में। ठीक है, तो ये ऑप्शन वाले देंगे तो बच्चे इसे आराम से टिक करके लाएंगे। यहाँ पर हमारा जो पाठ योजना संख्या 19 है वो कंप्लीट हो गया है। लास्ट में अपने सब्जेक्ट टीचर से साइन करा के आप लेसन प्लान की फाइल चेक करवाएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 20 को लेकर के, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत उप विषय इतिहास से है और प्रकरण रहेगा आपका खिलजी वंश। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना,
आप शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट के माध्यम से कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।